अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कि आप तो सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम टालविन की सीरीज़ को गो थ्रू करेंगे और टालविन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम गो थ्रू करने जा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द ग्रिड। ग्रिड जो है आपके कॉलम्स को डिवाइड करने में आपकी हेल्प करती है टालविन के अंदर, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट गो थ्रू करें ग्रिड का इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ मैंशनिंग है क्लियरली कि स्पेसिफाई द कॉलम्स इन अ ग्रिड लेआउट, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ड्रॉप द कॉलम इन अ डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड्स, तो आप सिंपल यहाँ पर इक्वली ग्रिड जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो सिंटैक्स है राइट डाउन करने का, जो कोड है राइट डाउन करने का, वो कुछ ऐसा है। अगर आप यहाँ पर सिंपल, तो पहले आप ग्रिड ऐड करेंगे, फिर कॉलम्स में ऐड करें या रो में, फिर आप कितने कॉलम्स और कितनी रोज डिवाइड करना चाहते हैं, उसके बाद आप कितना गैप प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू गिव द ग्रिड प्लस स्पेसिंग इन टालविन डॉट सी एस एस। सो इसकी प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करके गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनके ऑफिशियल जो है अपने वी एस कोड पर आ गई हूँ, एंड दैन बॉडी के एरिया में वी आर गोइंग टू क्रिएट द डिव। तो मैंने यहाँ पर आकर ग्रिड, ठीक है, एंड दैन फिर ग्रिड कॉलम 4, ठीक है। इसी के साथ साथ अब मुझे गैप प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर गैप डैश 4 प्रोवाइड कर दूँगी या 5, अप टू यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम गो थ्रू करें इस चीज़ को, ग्रिड ग्रिड कॉल कॉलम 4 एंड गैप 4, ठीक है, ओके। अब जो भी बनाएंगे आप कॉलम्स, वो इसी के ही अंदर डिज़ाइन करेंगे। लाइक अगर मैं इस डिव को क्लोज कर देती हूँ, तो अब मुझे जितने भी कॉलम्स चाहिए मैं इसके अंदर ही इस कॉलम्स को खोलूँगी। लाइक डिव क्लास, मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, चले डिव क्लास, और क्लास में मैं फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं रख रही, एंड देन मैं यहाँ पर रैंडमली लॉरेम का टैग्स ले रही हूँ, ठीक है। इसी के साथ से अगर मैं यहाँ पर एक क्लास प्रोवाइड कर देती हूँ, या मैं बीजी बैकग्राउंड दे देती हूँ, मैंने यहाँ पर बीजी मैं दे देती हूँ लाइक ग्रीन, क्योंकि मैं थोड़ा मल्टी मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं ग्रीन से स्टार्ट करती हूँ, मैं 400 से इसकी रेंज रखती हूँ, लाइक दिस वन, ठीक है जी। नाउ आई रन दिस, को चला के देखते हैं, इस तरीके से प्रिंट हो गया। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलम 4 लिखा था, तो अगर मैं इस वक्त कॉलम 4 को डिवाइड करती हूँ तो मेरी एक रो कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखें किस तरीके से, तो मैं यहाँ पर जस्ट इंटर करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर रही हूँ और एक रो में कॉलम ऐड ऑन कर रही हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी इजीली, लेकिन अच्छा यहाँ पर अगर ओवरलैपिंग होती है तो ऑटोमेटिकली जो फोर्थ रो आपने कॉलम्स बनाए ऑटोमेटिकली वो स्विच नीचे कर जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल फर्दर मोर एक और कॉलम जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं ग्रिड के अंदर, तो वो अपने हिसाब से जैसे ही वो नोटिफाई करेगा कि मेरे पास 4 कॉलम्स बन चुके हैं, वो नेक्स्ट कॉलम को ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन में गो थ्रू कर देगा सेम स्पेसिंग के साथ। इसी के साथ साथ अगर मैं कलर्स थोड़े से चेंज कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर 5, मैं थोड़े से कलर शेड्स जो है वो चेंज करूँ ताकि आपको मैं डिफरेंट शेड बता सकूँ। सो मैं इसको रन करा देती हूँ, नाउ यू कैन सी इजीली, ठीक है जी। सो दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे, किसी जितने भी आपने अगर आप और इंक्रीज करते हैं सिंपल कॉपी पेस्ट करें आपके पास। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं गैप बढ़ाती हूँ, मैं यहाँ पर अगर 10 दे देती हूँ, तो मेरे पास आप चेक कीजिएगा कि गैप ओवरऑल इन सब में बढ़ जाएगा, ये देखिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत ही ईजीएस्ट मैथड है टालविन के अंदर, जिन्होंने अभी तक मेरे लेक्चर्स गो थ्रू नहीं किए
तो मैंने डेल्विन की पूरी जो है वो सीरीज़ बना दी है और बन रही है, इंशाल्लाह कंटिन्यू रीसेंट हो जाएगी। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, जब तक अल्लाह हाफ़िज़। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, इसी तरीके से मैं चैनल को प्यार करते रहें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।